स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग क्लास 5 एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 3 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, दैट इज माय शैडो। और शैडो का मतलब आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। शैडो का मतलब होता है छाया, परछाई। जब हम लोग चलते हैं और पीछे से लाइट आता है तो हमारा एक ब्लैक कलर का परछाई हमारे साथ चलता है, हमारे साथ बनता है, तो उसे ही हम लोग शैडो बोलते हैं, परछाई और छाया। तो उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, माई शैडो को स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। He is very, very like me from the hills up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. तो इस पैरा का मतलब हो रहा है कि एक बच्चा बोल रहा है कि I have a little shadow that goes in and out with me. वो जो शेडो होता है वो हमारे साथ ही चलता है, वो मेरे साथ ही चलता है। मैं जहाँ जाता हूँ वहीं वो आता है, शैडो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। एंड वॉट कैन बी द यूज ऑफ हिम मोर देन आई कैन सी, और उसका क्या यूजफुलनेस है, कितना वो काम आता है हमारा, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो हम लोग जान नहीं पाते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे कितना यूजफुल होता है और कैसे वो हमारा साथ चलता है। He is very, very like me, hills up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. और वो totally मेरे तरह दिखता है, एकदम मेरे ही तरह दिखता है, same to same, पैर से लेकर के hills मतलब पैरों का एड़ी, जो निचला भाग होता है पैर का, पैर से लेकर के head तक, सर तक, वो सिर्फ मेरे ही जैसा दिखता है, मेरा ही copy है वो परछाई। And I see him jump before me when I jump into my bed. और जैसे ही मैं बेड पे जंप करने के लिए जाता हूँ, वैसे ही वो मेरे से पहले बेड पर जंप कर जाता है। ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से दिखाया है। जब भी हम लोग बेड पर जाते हैं और अगर पीछे से लाइट आ रहा होता है तो हमें लगता है कि परछाई जो है वो बेड पर पहले जा रहा है, जंप करके हमसे दो कदम आगे चल रहा है वो। तो ये सब होता है लाइट के वजह से, जब हमारे पीछे लाइट जलता है। लेकिन एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि परछाई लाइट के वजह से होता है। उसे लगता है कि परछाई जो है वो भी एक इंसान है, वो मेरे साथ रहता है, मुझे कभी छोड़ता नहीं है, वो मेरे ही जैसा दिखता है, सेम टू सेम मेरे साथ चलता है। तो उसे पता नहीं है कि ये लाइट के वजह से होता है। ये देखो, यहाँ पे परछाई दिखता है इसका। The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो बहुत फास्ट ग्रो करता है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, मतलब वो इतने तेज़ी से ग्रो हो जाता है, या कभी कभी इतने तेज़ी से, ये कभी कभी इतना स्लो हो जाता है, या कभी कभी इतना तेज़ हो जाता है जितना कि नॉर्मल चिल्ड्रन उतना नहीं हो पाता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जब चिल्ड्रन ग्रो करता है तो वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन ये शैडो जो है, ये परछाई जो है, ये जो दिख रहा है परछाई, इसका परछाई, ये कभी कभी बहुत फास्ट ग्रो कर जाता है नॉर्मल प्रॉपर चिल्ड्रन के तुलना से। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. वो कभी कभी खिंच करके इतना लंबा हो जाता है जैसे रबर बॉल लंबा हो जाता है, वैसे ये लंबा हो जाता है। और कभी कभी वो बहुत छोटा हो जाता है, जैसे उसके जैसा कोई है ही नहीं। कभी कभी वो बहुत लंबा हो जाता है, कभी कभी वो बहुत छोटा हो जाता है। तो हम लोग भी ये देखे होंगे कि शैडो जो है कभी कभी बहुत लंबा या छोटा हो जाता है, वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसा लाइट होता है वैसे ही शेडो बनता है हमारा। बट इस बच्चे को ये बात पता नहीं था, ये बच्चा ये सोचता था कि शेडो भी एक हमारी तरह एक इंसान है जो मेरे साथ चलता है, जो कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज वॉक आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। एक मॉर्निंग एक सुबह का टाइम था, एक दिन सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। वो बच्चा कह रहा है कि वो बहुत जल्दी उठ गया, सन के उगने से पहले भी वो उठ गया। आई रोज राइज का पास्ट फॉर्म है रोज़, ये रोज़ गुलाब का फूल नहीं है, रोज़ आर आई एस ई राइज होता है, राइज मतलब उठना, उसका पास्ट फॉर्म है रोज़। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, मैं सुबह जल्दी उठ गया और शाइनिंग ड्यू को पाया, और शाइनिंग ड्यू देखा मैंने, सारे फ्लावर्स जो है उसको भी बटर कप बोलते हैं, ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स ये कप की तरह होता है, इसमें ड्यू आ जाता है, रात को जो ओस गिरता है शबनम की बूंदे, ओस की बूंदे इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें कलेक्ट हो जाता है। तो वो जब वो बच्चा सुबह उठा तो उसको उसमें शाइनिंग होता हुआ ओस की बूंदे दिखाई दिया, कहाँ पे, फ्लावर के बटर कप में, ठीक है, फ्लावर के ऊपर पत्तों के ऊपर उसे ड्यू दिखाई दिया, वाटर ड्रॉपलेट्स। बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपहेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड। लेकिन जब मैं सुबह उठ गया और ड्रॉपलेट्स देख रहा था, वाटर ड्रॉपलेट्स मैं देख रहा था बाहर, तब उस टाइम मुझे दिखा कि मेरा शेडो मेरे साथ आया नहीं है, वो बहुत लेजी है और वो सुबह के टाइम उठा नहीं मेरे साथ, वो अभी भी स्लीपी हेड, वो बहुत ही जो बहुत ज़्यादा सोता है उसको स्लीपी हेड बोलते हैं, और एरेंट मतलब बैड, बहुत बुरा, वो मतलब बहुत ज़्यादा सोने वाला है, बहुत लेजी है वो, और वो घर पे ही सोया रह गया और मैं जग गया और वो मेरे साथ नहीं आया और अभी तक वो सोया हुआ है बेड पे। मतलब जब सुबह का टाइम था, जब सन राइज ही नहीं हुआ था तो लाइट नहीं होगा, लाइट जब नहीं होगा सुबह अंधेरा होगा तो उस टाइम में शेडो हमारी नहीं बनती होगी, तो जब शेडो नहीं बना तो ये बच्चा सोचा कि वो बेड पे ही सोया हुआ है, वो मेरे साथ आया ही नहीं, और जैसे ही सनराइज होगा उसके बाद ही हमारा शेडो बनने लगता है। तो ये इस बच्चा को लग रहा है कि शेडो जो है वो मेरे साथ आया नहीं, वो घर पे सो रहा है, लेजी है वो, स्लीपी हेड है वो। ओके, तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। न्यू वर्ड्स है इंडिया रबर बॉल, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, बहुत ऊपर तक बाउंस करता है वैसा बॉल, रबर बॉल। बटर कप मैंने बताया, येलो फ्लावर होता है, फ्लावर ये कप की तरह, एरेंट, एरेंट मतलब बैड। क्वेश्चन आंसर हम लोग थोड़ा देखेंगे, हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक, आप किसे समझते हैं आपका शेडो किसके जैसा दिखता है, आवर शेडो लुक्स लाइक आवर सेल्फ, हमारे जैसा ही हमारा शेडो दिखता है कि नहीं, वो किसी और की तरह दिख ही नहीं सकता है। वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर यू कैन, आपको क्यों लगता है कि आपका शेडो आपसे पहले बेड पे जंप करता है, क्योंकि लाइट जो है हमारे पीछे से आता है और शेडो हमारे आगे बनता है या साइड में बनता है, तो हमें ऐसा लगता है कि द शेडो जंप्स बिफोर मी इन टू द बेड। व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शेडो इज टॉलेस्ट, व्हाई, आपको कब लगता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे, आप खुद ट्राई करेंगे, मॉर्निंग में आपका शेडो कितना लंबा बनता है, आफ्टरनून में कितना बनता है और नाइट में कितना बनता है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, इसका मतलब मैंने बताया कि वो शेडो जो है वो बिल्कुल मेरे तरह है, एकदम पैर से लेकर के हेड तक। इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पे, हु डज ही रेफर टू, यहाँ पे ही किसको बोला गया है, ही बोला गया है शेडो को, ही रेफर्स टू शेडो। हु डज मी रेफर टू, मी किसे बोला गया है, मी बोला गया है पोएट को, वो बच्चा को, वो बच्चा यहाँ पे पोएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड में होगा पोएट, मी इज द पोएट। तब स्मॉल बॉय, अगर पोएट नहीं लिखेंगे तो द चिल्ड्रन या चाइल्ड लिख सकते हैं। वाई आर ही एंड मी अलाइक,
ही और मी अलाइक क्यों है, मतलब वो लड़का और उसका शैडो एक जैसा क्यों है? क्योंकि वो शैडो उस लड़के का बन रहा है, इसलिए वो एक जैसा है। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।